अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला हमेशा आप सबको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और जी, ये है जी बहरिया फाउंडेशन स्कूल, जहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल आते हैं। और इन लोगों का रिज़ल्ट था और हम लोग यहाँ पे मौजूद थे उनके रिज़ल्ट लेने के लिए। और चारों बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया था जी कि हम बच्चों को लेके जाएंगे पार्क। और सो हम लोगों ने उनका जो वादा था वो पूरा किया। यहाँ से हम लोग निकले और हम लोगों ने फिर घर आए। घर आके हम लोगों ने स्टार्टिंग की जी तैयारी जाने की। और यहाँ मौजूद है हम अयूब पार्क, पाकिस्तान में एक जगह है जी अयूब पार्क। और जो ज़ाहरी बात है यहाँ पे रहते हैं वो तो जानते ही होंगे। और ये देख सकते हैं आप, एक गाड़ी है, बस टाइप कह सकते हैं या गाड़ी कह सकते हैं जो भी, उस पे जी बच्चे बहुत शौक से बैठ रहे हैं। और हम लोग अयूब पार्क में मौजूद हैं, लेकिन इस गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा फासले पे है जी प्ले लैंड, और हम लोग जा रहे हैं जी वहाँ पे। तो आप भी तो बस में ही हो ना? बच्चे मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं जी एनिमल्स देख के, क्योंकि उनको बहुत शौक था कि वो यहाँ पे आए और एनिमल्स देखें। तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत शोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी डबिंग ही कर लेती हूँ, अपनी वॉइस ओवर कर लेती हूँ। सो जी बच्चे बहुत शौक से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे वो देखने आए हैं जी यहाँ पे टाइगर को। और टाइगर हम लोगों ने देख लिया था और जी बड़े आराम से वो बैठा हुआ है जी। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को हो गया थी जी शाम, और हम लोगों का इरादा था कि हम लोग जल्दी आए, लेकिन बस धूप जो सी है वो जा चुकी थी। और लेकिन जो जितनी रोशनी थी उसमें हम लोगों को जितने एनिमल्स नज़र आए वो हम लोगों ने देखे। और बस उसके बाद बच्चों ने थोड़े से झूले वगैरह लिए, और उसके बाद हम लोग एक और जगह पे जा चुके थे। जो मेरी सिस्टर है वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी इसी जगह पे, क्योंकि वो यहाँ पे रुक तो सकती नहीं थी, बहुत शाम हो चुकी थी और जो पार्क था वो बंद हो चुका था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया एक और जगह जाने का। तो खैर यहाँ पे जी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खूब काफ़ी शोर है, इस वजह से मैंने सोचा कि मेरी वॉइस ओवर ही कर ली जाए। जी जी मैं उतरी, 2 मिनट में पहुंच।
बस हम लोग जी यहाँ पे मौजूद हैं, और काफ़ी लेट हो चुका था। सॉरी, मुझे तो लगता है मेरा अपना गला जो है ना वो ठीक नहीं है, और बस मौसम की वजह से, और काफ़ी ठंड हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे एक दफ़ा बारिश हो चुकी है, और लेकिन फिर भी जो है बच्चे भी बीमार हैं, और बड़े भी ऐसे ही हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, जो सी है सर्दी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। ये देखें जी, शोर शुरू। और हाँ, मुझे तो ना बहुत डर लगता है, मैं झूलों में बहुत कम बैठती हूँ, बहुत कम। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं बैठा जाता। और जो हया है वो यही कहना चाह रही है जी कि मुझे जैसे डर लगता है ना, वैसे ही नुमान को भी डर लगता है। तो है, लेकिन बैठ जाते हैं ये बच्चे, तो बैठते हैं लाजमी, चाहे जो मर्जी हो जाए। यहाँ पे जो सुभान है वो थोड़ा सा घबरा गया था, डर गया था, रो रहा था, लेकिन ये है कि जब वो उतरा तो माशाल्लाह से सेट हो चुका था। ईमान को मैंने कहा कि उसको संभालो, उसको देखो। और हालांकि ये झूला इतना तेज़ नहीं था, दिखने में लग रहा जैसे कि बहुत ही फास्ट है, लेकिन नहीं, काफ़ी स्लो था। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके वो जोन सा है फील हो रहा था ऐसा। ओके जी, और यहाँ पे आप देख, और बस यहाँ पे सिस्टर और जो उनके हस्बैंड है वो हमें लेके आके थे जी, बच्चों को गीगा मॉल में। और यहाँ पे जी जो प्लेलैंड है वहाँ पे इन लोगों ने लिए थे जी झूले, क्योंकि बच्चे तो जितना भी यूज़ कर लें स्विंग्स वगैरह, उन वो तो थकते ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी मौजूद थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।